हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं इमरान सैफी, मैं आज आपको बहुत ही खुशखबरी देने जा रहा हूँ। जिन विद्यार्थियों ने हाई स्कूल इंटर की है तो गवर्नमेंट द्वारा उन बच्चों के लिए आईटीआई के फॉर्म एप्लीकेशन निकल चुके हैं। जिन विद्यार्थियों को आईटीआई हाई स्कूल इंटर के बाद, जो बच्चे हाई स्कूल के बाद आईटीआई में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको बहुत जानकर खुशी होगी कि गवर्नमेंट जो फॉर्म आईटीआई की निकालती है, प्राइवेट के मुकाबले जो प्राइवेट की जो फीस, प्राइवेट जो कॉलेज आईटीआई के होते हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, जो बच्चे गरीब होते हैं वो आईटीआई तो करना चाहते हैं लेकिन फीस के कारण वो आईटीआई नहीं कर पाती है। तो जो हम गवर्नमेंट अपने लिए बनाते हैं तो वो हमारे फ्यूचर के लिए, जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए, जो बच्चे आईटीआई करना चाहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट फ्री आईटीआई के फॉर्म अपलोड करती निकालती है। जो विद्यार्थी आईटीआई करना चाहता है और गवर्नमेंट द्वारा संस्था का लाभ उठाना चाहता है, तो उन विद्यार्थी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे आईटीआई करना चाहते हैं तो वो बहुत इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़रूर देख के इसका जो, या तो खुद फॉर्म को फिलअप कर ले या कोई भी अपने आसपास साइबर कैफ जाके आईटीआई के फॉर्म फिलअप कर ले। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आईटीआई के फॉर्म कहाँ से देखे जाते हैं, कौन सी वेबसाइट से देखे जाते हैं। तो इसकी जानकारी के लिए आजकल डिजिटल है हर कुछ, तो सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, तो सभी को जानकारी रहनी चाहिए कि पहली बात तो ये स्टूडेंट को जानकारी एकदम बिल्कुल, अगर उसको कुछ करना है, अगर उसको आईटीआई करनी है या इंटर के बाद कुछ और कोर्स करना है, तो उसको ये फोकस उस पर बहुत इम्पोर्टेंट रखता है स्टूडेंट के लिए कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या दे रही है। गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी निकाले या कोई भी कुछ भी निकाले, स्टूडेंट को होशियार रहना चाहिए। जैसी गवर्नमेंट कुछ फॉर्म निकालती है तुरंत उसको फिलअप करना चाहिए। तो फिलअप करने के बाद आप उसको कंप्लीट करके आप अपना एडमिशन ले सकते हो। तो आप आगे बढ़ते हैं कि जैसे हमारे पास एक क्रोम है, क्रोम के अंदर जो वेबसाइट है जहाँ से हम सरकारी रिजल्ट देख सकते हैं, जैसे सरकारी रिजल्ट, जैसे नीचे लिखा हुआ आ चुका है दोस्तों, तो ये सरकारी रिजल्ट है। सरकारी रिजल्ट पे जाके sarkaririzult.com सरकारी रिजल्ट लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म, इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमारा यूपी आईटीआई एडमिशन हमारा ओपन हो जाता है। इस पे जैसे हम दो बार क्लिक करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट की जो साइट है वो हमारी ओपन हो जाती है और ये लिखा हुआ आता है उत्तर प्रदेश आईटीआई एडमिशन सन 2018, यूपी आईटीआई सन 2018 ऑनलाइन फॉर्म और एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट डेट्स जो है इसकी जो डेट है बिगैन 30/4/2018 और लास्ट डेट जो अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म की है 25/5/2018। तो जितने भी विद्यार्थी जिनको भी आईटीआई के फॉर्म भरने हैं वो 25/5 से पहले अपने फॉर्म कंप्लीट करवा लें। कोई सी भी ट्रेड हो, ट्रेड से जिसे भी करना चाहे वो अपना सही डिसीजन लेके, सही ट्रेड लेके अपना फॉर्म भर सकता है। तो उसके बाद हमारा आता है आपका जो मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो लगेगी 26 तारीख को। उसके बाद आता है एप्लीकेशन फ़ी, जो जनरल और ओबीसी की जो फीस गवर्नमेंट रखती है वो आपकी 250 रुपये रखती है और जो निचली कास्ट होती है एससी एसटी उसकी 150 रुपये होती है। पे द एग्जामिनेशन फी डॉट आईटीआई कॉलेज प्रीपेड कूपन मोड और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, जो आप ये फी जमा करोगे या तो आप नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हो या आप बैंक के द्वारा कर सकते हो या आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए भी आप दोस्तों फी जमा कर सकते हो। जो इसकी आईटीआई करने की जो एलिजिबिलिटी है वो है आपकी हाई क्लास हाई स्कूल फ्रॉम एनी रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया।
अगर आपकी हाई स्कूल है तो आप इंटर आप आईटीआई कर सकते हो, हाई स्कूल या इंटर। आपकी जो एज जो लिमिटेड इज द बताई गई है वो मिनिमम एज है 14 इयर्स। 14 इयर्स अगर आपकी एज है तो आप आईटीआई के फॉर्म भर सकते हैं, 14 इयर्स से ऊपर जो है आप भर सकते हो। तो आगे है आईटीआई प्रोग्राम विद कोर्स कोड एलिजिबिलिटी। तो इसके अंदर आप देखोगे तो दोस्तों बहुत सारे प्रोग्राम नेम हैं, इसके अंदर फिल्टर है, तुम्हारा मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है, और ये सब 2 2 इयर्स 1 1 इयर्स की आपकी आईटीआई होती हैं, और ये सब 10+2 से होती हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन फार्म अगर भरना है तो आप रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हो, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप पे आ जाएगा, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन क्लिक ऑफ हियर, यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और ऑफिशियल वेबसाइट क्लिक, आप यहाँ पर जाके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। दोस्तों ये आईटीआई का जो फार्म है यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से हम अपना फार्म जाके भर सकते हैं, जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ से हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी आईटीआई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना आईटीआई में एडमिशन ले ले। और इस चैनल को दोस्तों, इस चैनल को अगर हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले।